हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। कलर सीरीज चल रही है मेरे चैनल पर और ये आज थर्ड वीडियो है। कलर है ग्रे और बनाने वाली हूँ आज ही मैं ग्रे हार्बर। नए हैं मेरे चैनल पर और कलर सीरीज देखना चाहते हैं, वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। फेस को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और अब मैं ये लगा रही हूँ एल्ब्स गुडनेस का अंबा हल्दी टोनर। टोनर बहुत ज़रूरी है स्किन के लिए। उसके बाद ये मैं यूज़ कर रही हूँ आज पतंजलि का एलोवेरा जेल। केसर चंदन वाला वेरिएंट है जो कि मेरे प्राइमर का भी काम करेगा और मेरे को मॉइस्चराइजेशन का भी इससे काम चल जाएगा। अच्छे से मसाज कर लूँगी। मसाज करना बहुत ज़रूरी है, बढ़िया सा ग्लो आ जाता है। फिटमी का ये कंसीलर लिया है मैंने, शेड है 50 कैफ़े। बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है तो मेरे को डांस करने का बैठे बैठे ही मन कर गया और इससे मैं अपने पिगमेंटेशन छुपाने के लिए यूज़ करूँगी। मैं प्रेफर करती हूँ फाउंडेशन के नीचे जो है डार्क शेड का कंसीलर लगाना और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ कंसीलर ब्रश की मदद से। और जहाँ जहाँ मुझे डार्क सर्कल्स है या पिगमेंटेशन है मैंने वहाँ वहाँ लगाया है और एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैंने इन सब को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और फाउंडेशन के लिए मेरा गुड ओल्ड फेवरेट फिट मी फाउंडेशन शेड नंबर 130 और डॉट डॉट करके लगा के ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। मैं ब्रश का यूज़ मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने फाउंडेशन के नीचे एक लेयर लगा रखा है कंसीलर का। अगर मैंने नहीं लगाया होता तो मैं ब्रश से इसको यूज़ करती, अदरवाइज़ जो है वो प्रोडक्ट जो है मूव कर जाता है। बढ़िया से ब्लेंड आउट कर लूँगी। आपको पता ही है यूजुअल एरियाज़, ईयर लोब्स, हेयर लाइन सब कुछ। और आईब्रो फिल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं ये फेसेस कनाडा का आईब्रो पेंसिल। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, कंपैरिजन वीडियो, तो चेक करना चाहें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। अब ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है मैंने, मेरा शेड नंबर इसमें 4 है और इससे मैं आईब्रो को क्लीन कर रही हूँ कुछ इस तरह से और आईलिड्स के ऊपर भी लगाऊंगी विच विल एक्ट एज माय आई प्राइमर, जिससे मैं कोई सा भी शेड लगाऊं तो अच्छे से उभर के आए। और आज जैसे कि आपको बताया मैंने ग्रे के ऊपर काम कर रही हूँ तो लाइट कलर है, अच्छे से खिल के आएगा अगर मेरा आई बेस जो है वो सॉलिड होगा। और जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट करती हूँ उन सारे जगहों पर मैं कंसीलर को लगा लूँगी और ब्रश की मदद से मैं सबको अच्छे से मैं यहाँ ब्लेंड कर रही हूँ और उसके बाद मैं अपना आई मेकअप शुरू करूँगी। दोस्तों, इस सीरीज़ को शुरू करने के पीछे एक मेन रीज़न ये था कि अभी शादी पार्टियों का सीज़न है तो तैयार होना है तो इस तरह के आई मेकअप कलर वाले मैंने इसलिए बनाए ताकि आप इस तरह का कोई भी आउटफिट पहने तो आपके पास एक आइडिया हो कि हाँ आई मेकअप हम इस तरह से कर सकते हैं इस कलर के साथ। तो बस इसी वजह से ये कलर सीरीज़ मैंने शुरू किया है और स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले करके हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माय फेस मैं इसको लगा लूँगी। आज का आई मेकअप बहुत बढ़िया टर्न आउट हुआ था गाइज, लाइट कलर था बट बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ था, एक्सेप्ट द फैक्ट कि दो गूफ अप हो गए थे और उसके पीछे की वजह भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ मैंने लैक्मे का लूज पाउडर लिया है और ये वन ऑफ द रीज़न है गूफ अप होने का और इसको मैं अच्छे से अंडर द आईज लगा रही हूँ। अब जब मैं ये लगा रही हूँ तो थोड़ा सा पाउडर आप देख सकते हो ना उड़ रहा है, लूज पाउडर है तो ये ना उड़ के मेरी आँखों में चला गया था। ठीक है, अभी मैं बाद में और आपको बताऊँगी कि और क्या क्या हुआ था। तो अब मैं अपने आईलिड्स को डस्ट ऑफ कर रही हूँ और मैंने अपने आँखों को टेप कर लिया है ताकि प्रिसाइज एप्लीकेशन मिल जाए। और पर्पल का विंक इन टुगेदर काजल लिया है और इसको मैं कुछ इस तरह से, पहले मैंने एक विंग ड्रॉ किया और अब मैं उस काजल को बिल्कुल साइड साइड लगा रही हूँ और अब एक पॉइंटेड ब्रश की मदद से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। बट आप देखो मैं इसको ना अंदर की तरफ, इसके स्ट्रोक्स जो हैं मैं आउटर की तरफ नहीं इनर की तरफ ला रही हूँ ताकि ये फेड हो जाए, कलर जो है अंदर की तरफ आते आते कुछ इस तरह से, है ना। अच्छा हाँ, अब ये एक ब्लेंडिंग ब्रश लिया है मैंने, अब मैं इतने से एरिया को ब्लेंड कर रही हूँ।
मैं इसको आप देख सकते हो, मैं कहीं भी प्रोडक्ट को लेकर के नहीं जा रही, जहाँ मैंने काजल स्मज किया था वही लगा रही हूँ। अब ये एलए कलर्स का हाईलाइट कॉन्टोर वाला पैलेट लेके, इसका जो हाईलाइट शेड है वो लेकर के मैं ब्राउ बोन को हाईलाइट मैंने किया और मैं उसको अपने इनर कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ। मेबेलिन का ये ब्लश न्यूड पैलेट लिया है और उसमें से ये बहुत लाइट पिंक कलर है वो मैंने लिया है, और मैं फ्लैट शेडर ब्रश से उसको प्लेस कर रही हूँ हल्के हल्के अपने लिड्स के ऊपर। वैसे तो ये पैलेट एकदम फ्लॉप शो था, मैंने मेबेलिन का वन ब्रांड ट्यूटोरियल किया था, देखिएगा, लिंक कर दूँगी, उसमें ये बिल्कुल काम नहीं किया, बट आज के आई मेकअप में इस पैलेट ने कमाल का काम किया और जैसा कलर मुझे चाहिए था एग्जैक्ट वैसा मिला। अब इसी पैलेट से एक हल्का सा ग्रे कलर है उसको लेकर के मैं पिंक के ऊपर टॉप कर रही हूँ और आउटर कॉर्नर की तरफ भी प्लेस कर रही हूँ इसको। अब मैंने ये लिया है ब्लू हेवन का सिग्नेचर पैलेट, इसका शेड नंबर 6 है, इसमें से ये स्टील ग्रे कलर लेके मैट कलर है, तो जहाँ मैंने काजल स्मज किया था मैं उसके ऊपर इसको प्लेस कर रही हूँ कुछ इस तरह से, और कलर को थोड़ा सा इंटेंसिफाई कर रही हूँ, बेसिकली सेट कर रही हूँ, ठीक है। अब ये मैंने SFR का आईज़ वाला पैलेट लिया है और उसमें से ये ब्लैक कलर मैंने पिक किया है और इसको ग्रे के ऊपर प्लेस करूँगी। ग्रे मैंने थोड़ा सा नीचे रखा है और ब्लैक को मैं, आप देख सकते हो ऊपर ही तरह मैं विंग निकाल रही हूँ ना, बस वही वही मैंने लगाया है। अब जितना पाउडर मेरे फेस पे था मैं एक ब्रश की मदद से उस पूरे पाउडर को पाउडर को पूरे फेस पे मैं स्प्रेड कर रही हूँ। सेम पर्पल का काजल लेकर के मैं टाइट लाइन करूँगी, वाटर लाइन पे भी लगा लूँगी कुछ ऐसे दोनों आँखों पर। वापस से एले कलर का वही सेम कॉन्टोर पैलेट लेकर के मैं कॉन्टोर कर रही हूँ हमेशा की तरह, जहाँ जहाँ कॉन्टोर करते हैं फोरहेड्स, हॉलोज ऑफ माय चीक, जॉ लाइन, और फिंगर की मदद से मैं अपने नोज़ को भी कॉन्टोर कर लूँगी। किस ब्यूटी का ये लिक्विड ब्लश लेकर के मैं बिल्कुल हल्के हल्के लगाऊंगी, कुछ वीडियोस में आप देख रहे हो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी पिगमेंटेड है ये भी, आप लोगों ने देखा होगा, तो बस इसको डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी ताकि एकदम लाल लाल ना हो। और ये है मेबेलिन का हाइपर ग्लॉस आई लाइनर, आज भी ऑलमोस्ट मेबेलिन वन ब्रांड ट्यूटोरियल जैसा ही हो रहा है, बहुत पतली सी लाइन मैं इसमें ड्रॉ कर रही हूँ। SFR का सेम शेडो पैलेट लेकर के मैं उसका ब्लैक कलर लेके अपने लोअर लैशेस को स्मज आउट कर लूँगी कुछ इस तरह से, और ये हुआ है गूफ अप नंबर 2। जब मैं इसको स्मज कर रही थी मेरी आंखों में चला गया आई शेडो, ठीक है। अब बेला वॉस का ये मस्कारा लिया है, इसके 2-3 कोट्स मैं अच्छे से लगा लूँगी। आई शेडो और पाउडर आंखों में जाने से क्या हुआ गाइज, इतना अच्छा आई मेकअप मेरा टर्न हुआ था ना, वो सारा आंखों के नीचे से फैल गया। नाउ इट्स ग्लो टाइम, कलर बार का रेडियंट ग्लो लिक्विड हाइलाइटर लेकर के लगा रही हूँ मैं, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पर है, मैं आई बटन पे भी दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। और बढ़िया से इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी, फिंगर की मदद से भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, और ब्यूटी ब्लेंडर से भी और ब्रश से भी, आपको जिससे करना है आप उसको कर सकते हो। हर समर के लिए बिल्कुल परफेक्ट हाइलाइटर है ये, बहुत बढ़िया है। और सेटिंग स्प्रे की मदद से पूरे फेस को मैं सेट कर लूँगी, ठीक है। अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ NYX का वेलवेट मैट लिपस्टिक, इसमें मेरा शेड है सॉफ्ट फेम। थोड़ा सा ओम्ब्रे इफेक्ट के लिए मैं इसको टॉप कर रही हूँ मेबेलिन के सुपर स्टे मैट इंक लिपस्टिक, शेड है मेरा फाउंडर, और नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बस इस तरह से मैं बाहरी साइड्स पे लगा रही हूँ ताकि एक ओम्ब्रे इफेक्ट क्रिएट हो सके। सो गाइज, ये रहा मेरा फाइनल लुक, कैसा लग रहा है ये ग्रे हार्बर बताइएगा ज़रूर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये, ओनली फॉर द फैक्ट कि मेरे लोअर लैश लाइन पर आई शेडो जो है वो फैल गया है क्योंकि मेरे आंखों से पानी बहना बंद ही नहीं हो रहा था। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।